चलिए आज भी स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का ही सेकंड टॉपिक। ये भी आपका 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन कंफर्म है कि इस बार आए। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, अब ये चाहे यहाँ पर इंटीग्रेशन हो या समाकलन हो, तो आप यही रूल फॉलो करिएगा कि लॉग वाले क्वेश्चन को हमेशा आगे दिखा कीजिए। क्या करेंगे हम, लॉग एक्स इंटीग्रेशन क्या कर देंगे हम, एक्स डिस कर दिया माइनस, इसी को हमने बताया था कि इसी को पूरा लिखना पड़ता है, तो बड़ी से लॉग रूल लगा दीजिए, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, और डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इंटू एक्स डी एक्स कर दिया। अब आपको जानते हो यहां पर क्या होता है आपका लॉग एक्स इंटू क्या होगा इसका एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस, यहां क्या हो जाएगा आपका, अब हम इसका हम अवकलन करेंगे मतलब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन एक्स होता है इंटू, अब इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, इसे इंटीग्रेट करना है ना इंटीग्रेशन। अभी क्या होगा देखिए, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन अपॉन टू माइनस, यहां क्या हो जाएगा बेटा ध्यान दीजिए, ये पोर्शन मारा जाएगा कट जाएगा ठीक, यहां पर एक्स यहां एक्स स्क्वायर है, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास एक्स अपॉन टू डी एक्स बचेगा। अगर टू को बाहर निकाल दीजिए क्या हो जाएगा देखिए, लॉग एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू किया और एक्स डी एक्स कर दिया, जैसे हमने यहां पर एक्स का किया तो यहां भी करेंगे हम सेम, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू, और तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, बस ये आंसर है हमारा, लॉग एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस कॉन्स्टेंट में लगा दिया था, यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है।